चलो चलते हैं मंदिर की ओर, देखते हैं वो आखिर है क्या। सूर्य की किरणें सीधा मंदिर की ओर पड़ती हुई, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारा स्वागत कर रही हूँ। हाँ, देखने में तो बहुत साल पुराना लग रहा है। कदम संभाल के रखने होंगे, यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं क्योंकि अक्सर ऐसे खंडरों के पास सांप पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत नजदीक जाते हैं, ज्यादा पास भी नहीं जा सकते हैं। पंछी सूरज की रोशनी पड़ती हुई। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक पुराना शिव मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है तो जैसे सूर्य भी पूजा करते हुए। और आप एक सामने एक पत्थर देख सकते हैं जो कि बहुत ही पुराना पत्थर है और नक्काशी भी की हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे ये शिव मंदिर ही है और सभी भगवान शिव जी की पूजा करते हुए। और दूसरी तरफ से पत्थर चुरा लिया गया होगा, पर मैंने ऐसा सुना था कि इस मंदिर में अभी भी खजाना है जहाँ पे इच्छाधारी सांप अभी भी कर रहे हैं इस मंदिर की रक्षा। अब इस पतले से रास्ते को पार करने के लिए इस के ऊपर मुझे चलना होगा। मजा आया, बहुत ही कम मौके होते हैं जब हमें ऐसा एडवेंचर करने का मौका मिलता है। कुछ पशु चारा चरते हुए और कोशिश करते हैं उस मंदिर के पास जाने की दूसरी तरफ से, देखते हैं कि आसपास कुछ और है। अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट देख रहा है तो शायद कुछ मंदिर के बारे में सोचा जाए उनके द्वारा। ये देखो, ये है मंदिर। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सामने पीपल का पेड़ है उसके साथ एक रास्ता भी है, और ये प्राचीन रास्ता हो रहा होगा इस मंदिर में आने का जो कि अब खंडर बन चुका है। और इसके पास एक और मंदिर भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ से दिखाऊंगा नज़ारा थोड़ी सामने से, आप देखिएगा कितना सुंदर मंदिर रहा होगा जब और अंदर भी मंदिर के अंदर जो मूर्तियां थी वो भी चुरा ली गई है, और ऐसा लग रहा है कि अंदर खुदाई भी की गई है क्योंकि आप देख सकते हो कि मिट्टी काफी ऊपर तक है। यहाँ तो ये बारिश के पानी की वजह से हो सकती है, पर आप ये देख सकते हो कि ये मूर्ति बची हुई है जो कि अक्सर हिंदू मंदिरों के बाहर स्थापित की जाती है। बहुत ही सुंदर, पर देखते हैं थोड़ा सा साइड में आके।